मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट की पुरानी कार्यकारिणी द्वारा आज मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन जनपद शाखा मुरादाबाद द्विवार्षिक अधिवेशन होने पर अपना विरोध जताते हुए एक प्रेस वार्ता कर यह बताया कि ये जो द्विवार्षिक अधिवेशन किया जा रहा है ये पूर्णतः गलत है। इस बात की जानकारी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के प्रांतीय संयुक्त मंत्री शिव कुमार ने बताया, ये हम आपको सुनाते हैं। मेरा नाम शिव कुमार, प्रांत संयुक्त मंत्री मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। आज की जो प्रेस वार्ता है वो इसलिए बुलाई गई थी कि हम जो है ये मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश जनपद शाखा का चुनाव दिनांक 21 अक्टूबर 2020 को ऑलरेडी कर चुके हैं। पूर्णतः संवैधानिक प्रक्रिया जो संघ का संविधान है उनके नियमों के तहत हम अपना चुनाव कर चुके हैं और उसमें सभी खंडीय कार्यालयों के माध्यम से सभी साथियों को सूचित किया था, जिसका ये प्रमाण है ये लेटर। और उस दिन जो है हमारे यहाँ साथी उपलब्ध हुए थे, कम से कम 100 में से जो है 80 साथी यहाँ उपलब्ध हुए थे। तो 1 बजे हमने तब भी उसके बाद हमने वेट किया, लेकिन जब कोई नहीं आया तो हमने जो सर्वसम्मति से जो कार्यकारिणी हमने चुनी थी उसको हमने जो है अध्यक्ष मंत्री हमने अपना कर दिया। उसके लिए हम आपको पहले भी सूचित कर चुके हैं, अब भी हम प्रेस नोट के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो आज जो ये दिनांक 4 फरवरी 2021 को जो ये चुनाव करा रहे हैं, मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि पूर्णतः असंवैधानिक है ये। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन है वो भी इनका फर्जी है, वो भी सोसाइटी एक्ट के तहत कराया है, किसी कर्मचारी अधिनियम शासन के माध्यम से नहीं है। और इनसे जब लड़ने कहा था ये तब ये आए नहीं और अब अपना स्वयंभू अध्यक्ष मंत्री बनना चाहते हैं, तो ये पूर्णतः गलत है, निराधार है और असंवैधानिक है। तो मैं अपने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से ये अपील करता हूँ कि इस प्रकार से इन फर्जी संगठनों के पैड का जो है मतलब संज्ञान ना ले जाए, इनके किसी पत्र का संज्ञान ना ले जाए। ये कर्मचारी हित और संघित दोनों में है, तो कृपया करके जो भी अधिकारी हैं प्रशासनिक हो चाहे वो सिंचाई विभाग के हैं वो हमारी इस बात का संज्ञान लें। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय संघ, जय महासंघ। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन जनपद शाखा मुरादाबाद का द्विवार्षिक अधिवेशन चुनाव आज हो रहा है, जिसमें शिलेश कुमार सिंह प्रांतीय उपाध्यक्ष पश्चिमाचल प्रभारी चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के कई बिंदुओं पर चुनाव को लेकर अधिवेशन में चर्चा हुई। उन समस्याओं के निदान के लिए नई कार्यकारिणी का गठन कराया जा रहा है। अब तक जो भी कार्यकारिणी रही उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, निष्पक्ष रूप से लोकतांत्रिक तरीके से ये चुनाव हो रहा है। हमारे कर्मचारी समस्याओं का मेन मुद्दा पुरानी पेंशन बहालो, सरकार द्वारा जो डीए फ्रीज किया गया है उसे तत्काल बहाल किया जाए और हमारे विभाग स्तर पर नियमानुसार पटल परिवर्तन नहीं होते हैं, 3 साल में पटल परिवर्तन का स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण किए जाएं, सभी कर्मचारियों का जो भी कार्य है उसका समय से निपटारा कराया जाए, यही चुनाव के बाद हमारे मुद्दे रहेंगे। चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में आज शैलेश प्रताप सिंह ने कहा, हमारे सभी साथी एक बैनर के तले आकर के अपनी समस्याओं को रखें और सरकार जो कर्मचारी विरोधी नीतियों को बढ़ावा देती है कर्मचारियों के विरुद्ध में कार्य करती है। अभी आपने देखा जो सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं, इस तरीके से सिर्फ ये जो सरकार है ये कर्मचारी के विरोध में कार्य कर रही है। इसके तहत हम लोग कहेंगे कि जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, संगठनों से कहा जाएगा कि सरकार के विरोध में भी हम लोग अपनी समस्याओं की बात रखेंगे। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन जनपद शाखा मुरादाबाद का द्विवार्षिक अधिवेशन चुनाव आज हो रहा है। हम शैलेश कुमार सिंह प्रांतीय उपाध्यक्ष तृतीय पश्चिमांचल प्रभारी और चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में मैं यहाँ आया हूँ। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के कई बिंदुओं पर इस चुनाव में अधिवेशन में चर्चा होगा और उन समस्याओं के निदान के लिए नए कार्यकारिणी का गठन कराया जा रहा है। अब तक जो भी कार्यकारिणी था उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, निष्पक्ष रूप से लोकतांत्रिक तरीके से हमारा यह चुनाव होगा। हमारी कर्मचारी समस्याओं का मेन मुद्दा पुरानी पेंशन बहाल हो, सरकार द्वारा जो डीए फ्रीज किया गया है उसे तत्काल बहाल किया जाए और हमारे विभाग स्तर पे जो नियमानुसार पटल परिवर्तन नहीं होते हैं, 3 साल में पटल परिवर्तन का है, स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण किए जाए, सभी कर्मचारियों का जो भी देयक हैं उसे समय से निपटारा किया जाए, यही मांग है। मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ, हमारे सभी साथी एक बैनर के तले आकर के अपनी समस्याओं को रखें और सरकार जो कर्मचारी विरोधी नीतियों को ही सिर्फ बढ़ावा देती है, कर्मचारियों के विरोध में ही कार्य करती है। अभी आपने देखा कि जो है सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा दिया, इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दिया,
इस तरीके से सिर्फ ये जो सरकार है ये कर्मचारी के विरोध में ही काम कर रही है। इसके तहत हम लोग कहेंगे कि जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, हर एक संगठनों से कहा जाएगा एक बैनर के तले आके सरकार के विरोध में भी हम लोग अपने कर्मचारी समस्याओं की बात रखेंगे और हम पुरानी पेंशन बहाली, डीए फ्रीज, ये सारी समस्याओं का निदान कराने के लिए जो है आवाज़ बुलंद करेंगे। ये समस्या प्रदेश स्तर की, इसका भी निपटारा होगा, हमारे संज्ञान में भी आया था, मगर जिला स्तर पर जो भी अगर कार्यक्रम होते हैं, चाहे हम जिस संगठन और जिस बैनर के तले होते हैं, मेरा तो यही अनुरोध है सारे कर्मचारी संगठन मिलकर के उन समस्याओं का निदान करें, चाहे जिस भी विभाग का रहे। और सरकार तो यही चाहती है कि हमारे जितने भी हों सब निजीकरण हाथों में जाए, संविदा के आधार पर भर्ती हों, तो ये सारी प्रक्रिया सरकार को बंद करनी होगी। हमारे कर्मचारी इस पर आवाज़ अपनी